हाय स्टूडेंट्स, इट्स मी विशाल सिंह एंड टुडे वी आर बैक विथ अवर अनदर वीडियो। सो हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें यदि ए बी सी डी ये जो वर्ग है उसका भुजा 28 सेंटीमीटर है और साथ ही ए पी डी और बी पी सी एक अर्धवृत्त है, इसमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ए बी सी डी इसका भुजा जो है वो 28 सेंटीमीटर, वर्ग का भुजा बराबर होता है, इधर भी 28 हो जाएगा। दिया हुआ है वर्ग का भुजा बराबर 28 सेंटीमीटर, तो जो वर्ग का भुजा होगा वही हो जाएगा हमारा अर्धवृत्त का व्यास। अर्धवृत्त का व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो छायांकित भाग हमारा यही है, पूरा एक वर्ग है उसमें दो अर्धवृत्त कटा हुआ है, अब बाकी बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है, वही हमारा छायांकित भाग है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर माइनस दो अर्धवृत्त का हो जाएगा 2 × π r² / 2, यानी 2 से 2 कट गया, पाई आर स्क्वायर, भुजा है 28, वर्ग का भुजा है 28 यानी 28 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुना आर है 14 × 14, 7 से कट जाएगा, 2 × 7 = 14, 28 का स्क्वायर करेंगे तो 28 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 784 माइनस 22 × 44 गुना 14, 784 माइनस 44 गुना 14 करेंगे ३१६, आंसर आ जाएगा 468 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 468 सेंटीमीटर स्क्वायर।